सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद। आपकी हमारी पहले मांग ये है, छठे वेतन आयोग में खामी का जो मामला है और सहकारी बैंकों में पदोन्नति का मामला जो 2019 में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, वो दोनों मामले जारी किए जाएं। उसके अलावा दूसरी मांग हमारी जो किसानों की 3 लाख की अल्पकालीन कृषि ऋण की लिमिट है, वो पिछले 8 साल से वो बनाई नहीं जा रही है। नए सदस्य उनको ऋण नहीं दिया जा रहा है, जबकि नाबार्ड द्वारा वो पैसा जिला सहकारी बैंक को दिया जा रहा है, लेकिन जिला सहकारी बैंक वो पैसा किसानों को न दे करके वो पैसा शुगर मिलों को 11% पे दिया जा रहा है। चौथी मांग हमारी जो यूरिया खाद या DAP है, वो जो खाद है वो सहकारी समितियों में जाए पहले की तरह 80% है। अब पिछले दिनों आप देख रहे हैं, जो पिछले 2 साल में किसानों को सहकारी समितियों से खाद न मिल करके ये खाद है वो प्राइवेट को दी जा रही है और किसानों में प्राइवेट मार्केट में किसानों को लुटाया जा रहा है। 267 रुपए का यूरिया का गट्टा है वो 330 में दिया जा रहा है और DAP का 1350 का गट्टा है वो 2000 में दिया जा रहा है। उसके अलावा उसके साथ सामान भी किसानों को जो खाद के साथ वो दिया जा रहा है। उसके अलावा किसान को अगर वो खाद प्राइवेट मार्केट के बजाय सहकारी समितियों में जाती है तो जो सहकारी समितियों में कर्मचारी कार्य करने वाले हैं उन सभी को पता है किस किसान के पास कितनी जमीन है, किसको कितनी खाद है वो वितरण करनी है, जमीन के हिसाब से हमारे पास वो रिकॉर्ड हम वितरण करेंगे। और जो किसान को प्राइवेट मार्केट में जो लूटा जा रहा है उस मार्केट की प्राइवेट से जो लूटमारी मची है उस लूटमारी से बचेगा और किसान को सही वितरण है वो सहकारी समितियों में किया जाएगा, क्योंकि अगर खाद है वो सहकारी समितियों में जाएगी तो वो किसान जो महंगे रेट हैं उनसे बचेगा, माल भाड़ा या किराया जो है शहर से गाँव तक है उससे बचेगा। उसके अलावा किसान है वो जो 3-4 दिन तक लाइन पे लगेगा, लाइन में जो प्राइवेट में लगे रहा है वो समय भी बचेगा। आपका नाम? मेरा नाम भगवंत शर्मा, राज्य प्रधान पक्ष कर्मचारी महासंघ।